भंडारे में जा रही सवारियों से भरी ट्रॉली पलटी, एक की मौत, दो दर्जन घायल। खबर कराहल से है, जहां निचली खोरी से कुछ आदिवासी परिवार ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर भंडारे में शामिल होने कटीला गांव जा रहे थे। ट्रॉली में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सवार थे। ट्रॉली में सवार महिलाओं ने बताया कि ट्रैक्टर चालक लापरवाही से तेज गति में ट्रैक्टर चला था, हमने मना किया तब भी वह नहीं माना और आधे रास्ते तक पहुंच ही पाए थे कि ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पलटते ही चीख पुकार मच गई, लगभग दो दर्जन लोग घायल हो गए। रास्ते से गुजर रहे और आसपास के लोगों ने घायलों को अपने साधनों से करहाल अस्पताल पहुंचाया। मौके पर सेसईपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को करहाल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। खबर की जानकारी लगते ही बड़ौदा SDOP प्रवीण आस्थाना, करहाल SDM उदयवीर शिकरवार, श्योपुर CMHO राजपूत और अन्य डॉक्टरों की टीम अस्पताल आ गई है, जहां एक बालक को मृत घोषित कर दिया गया और शेष अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। चल रहा था ट्रैक्टर, रेस में चल रहा था ट्रैक्टर तो बन्नो ले रख ले जा रहा ने। ड्राइवर ने शराब वगैरह पी रखी थी क्या? और नशा में हो रहा नशा में। तुमने रोकने का नहीं कहा उसे कि धीरे चलाओ? इतना से गेट गए सारे, हम गाड़ी रोक ले नो के रहो, मरेंगे का मरवे बार नीचे उतर जाओ। अब चलते मैं कहां सोच रहा है नो करते सब पंट जाती तो मर ही जाते आदमी। तो बोल वैसे नो हो गई नो सब सड़ रहे आदमी तो चला रहा। और अभी ड्राइवर भी घायल है या वो भाग गया है? वो तो बच गया, ट्रैक्टर वाले तो सब बच गए, ट्रोली वाले हो गए सब लोग गए। और ट्रैक्टर कहाँ पर है अभी? नहीं सर भेजा को होगा अभी तो। मौके हम देखे मौके पर ट्रैक्टर तो है नहीं, तो निकाल ले गया ट्रैक्टर वहाँ से। हमें आया था तो भेजा को, और तो कोई नहीं आया। मौके पर हम देख गए ट्रैक्टर नहीं है, मौके पर नहीं है। ट्रॉली अकेली डली है वहाँ पर? कुछ नहीं है, ट्रॉली भी नहीं है वहाँ। क्या घटना हुई, कैसे ये घटना हुई, आपने तो देखी होगी। हाँ ये क्या है, ट्रैक्टर से अपने नो में एक भंडारा था, वहाँ जा रहे थे लोग सब ट्रैक्टर में भर के, तो रोड में सारे गड्ढे वड्ढे थे और ड्राइवर की थोड़ी सी लापरवाही के कारण ट्रॉली पलट गई। और मैं सबसे पहले थाना फिरवारी सेसईपुरा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मौके पर पहुँच करके उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ रेफर किया गया और कराल तक वो लाए ग्रामीण मदद से। यहाँ कराल में इस तरीके की व्यवस्था है कि यहाँ सब लोगों को रेफर करते हैं और यहाँ कहीं से कहीं तक कोई चीज़ की इलाज और ना तो यहाँ कूलर है ना कोई पंखा है, यहाँ लाखों लाखों का फंडा आने के बावजूद भी यहाँ ना तो डॉक्टर है ना कोई सुविधा है। इन्होंने एम्बुलेंस से यहाँ लाया गया या प्राइवेट वाहनों से? नहीं बिल्कुल कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची, कराल से एम्बुलेंस से सुपर रेफर किया गया है, वहाँ से तो गाँव के लोगों की मदद से थाना फरवारी की मदद से यहाँ तक कराल में पहुँचाया गया। इतने सड़कों पर गड्ढे हैं, कभी शिकायतें की आपने? बिल्कुल कई बार शिकायतें की, पर यहाँ आप समझते हो कि एक विधायक जी हैं हमारे सीताराम जी, उनको इतनी जानकारी नहीं है या वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते तो या वो सड़कों का काम नहीं करा पाए, नहीं करा पाए कार्यकाल में। यहाँ एक लड़के की मौत हो गई है, कम से कम 16 और 17 से करा सुपर में रेफर कर दिए गए हैं और 10 और 12 की उसमें यहाँ से कराल में है। क्या तुम भी ट्रॉली में क्षतिग्रस्त हुए हो क्या? हाँ। कौन घायल है तुम्हारे यहाँ से? ये मेरा वानज। क्या घटना घटी थी, क्या दिक्कत आई जो ट्रॉली इस तरह पलट गई? पता नहीं, हम तो गए नहीं, हम तो घर ही थे, एक गए थे। तो जो गए थे वो क्या बता रहे थे, क्यों पलटी ट्रॉली? ट्रॉली को वो तेजी से चला रहा था, ऐसा लहरा के लहरा कर चलाया जा रहा था ट्रॉली को, रोकने की कोशिश नहीं की किसी ने? पता नहीं है, तो गड्ढे थे रोड में, रोड पर गड्ढे थे। हाँ बेड नहीं होने के कारण इस तरीके से देखो इनको मरीजों को बैठा ला, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बेड उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से देखिए आप मरीजों को किस तरीके से बैठा जा रहा है और आप देख सकते हो इधर भी देख सकते हो आप मरीजों को किस तरीके से 6-6 से 8-8 एक उस पर बैठाया जा रहा है। यहाँ यहाँ वर्तमान में आदिवासी विधायक है सीताराम जी, वो भी यहाँ तक अभी तक इस किसी को भी फोन लगा के ये नहीं कह सके कि यहाँ इस तरीके की व्यवस्था की जाए। ये आदिवासियों का इतना भला नहीं कर सकते थे और अन्य समाजों का और कई व्यक्तियों को क्या कैसे भला कर सकेंगे ये लोग। मैं कहाँ से आ रहे थे तुम? लाला खोरी से, निचली से। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा है कटीरा।
भंडारा और जेबे गणेश जी को। हाँ गणेश जी को। और लोग थे वहाँ में? गने लोग है। गने के थे? गने ट्रोली का रही ने सांग के। तो कैसे कब आओ? पंट गई ट्रोली दारू दारू खा रहा वो। उन्हें पिला की दारू? वो ठेक तक चला रहा थे ना। तुमने उससे ये तो कहा होगा कि गाड़ी धीरे चलाओ। कही मल मान मानो नहीं। क्या बस मोनी हो सही नहीं था बस बानस बस धुआं था चला ही था। बस वानी नशा में आता वो और नशा। सर बड़ी गंभीर घटना घटी है, काफी लोग घायल हुए हैं, क्या कहते हो सर इस घटना पर, आप हॉस्पिटल में आई हुए? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और जैसी मुझे इसकी सूचना मिली कि ट्राली आदिवासियों से ट्रैक्टर ट्राली भरे पलट गए हैं सीसीपुरा और नौनपुरा के बीच में, मैं सुपुर था, मैंने तुरंत हमारे थाना प्रभारी अनुराधा जी को मैंने फ़ोन भी किया था, वो मौके पर तुरंत पहुंची भी। इसके बाद मैं पूरा प्रशासन लगा हुआ है, एसडीएम साहब भी आ गए, तहसीलदार साहब भी आ गए, सब लोग मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल में लाए हैं, इनका जो संभव है यहाँ जितना इलाज संभव है उतना यहाँ हो रहा है। इसके बाद में जरूरत अगर रेफर किया तो रेफर भी यहाँ से किया गया सुपर के लिए। घटनाएं सर रोज घट रही हैं सड़कों पे, रोज एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं सर, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सड़कों में काफी घटते हैं, गाड़ियां अनियंत्रित हो जाती हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शराबी के गाड़ी ड्राइवर चला रहे हैं, सर इतनी अनियमितताएं कैसे हो रही हैं? नहीं ये तो देखिए ये ड्राइवर पे ही निर्भर करता है, गड्ढे भी हैं तो अपन कंट्रोल में चलें। गड्ढे भरे नहीं जा सकते क्या सर? नहीं भरे जा सकते हैं बिल्कुल, गड्ढे भी। हम सब लोगों को अपनी जो रिपोर्ट हमें जो देनी चाहिए जहां हम दे चुके हैं कि सड़क फलानी जगह सड़क खराब है, फलानी जगह ये रास्ता खराब है, अब ये प्रशासन का काम है वो कर रहा है। अभी गड्ढे भरे गए नौनपुरा घाटी में गड्ढे भरे गए, अब ये कहां किस गड्ढे की वजह से क्या हुआ है, कैसे हादसा हुआ है, मौके पर अपन तो थे नहीं, अभी तो उन्हीं लोगों को पता है किस कारण से हादसा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जितने भी जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, और जो लोग जिसमें एक व्यक्ति जो चला गया है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को धैर्य प्रदान करें। धन्यवाद। जो घटना घटी है सर वो एक ट्रॉली पलटी है, 20 लोग घायल हुए हैं सर, पर जन आरोप लगा रहे हैं सर कि सारे लोगों को रेफर कर दिया गया है यहाँ पर सर, कुछ उपचार यही नहीं किया है सर, क्या कहते हैं? जी तो कहना गलत है, सबको प्राथमिक उपचार दिया गया है, जो ज़्यादा सीरियस है उनको भिंड पहुँचा वहाँ सुपर पहुँचा दिया गया है, ठीक है ना, और एक एक्सपायर हो गया, बाकी कुछ रह गया, इनका इलाज चल रहा है यहाँ पर। कैसी स्थिति है सर इनकी जहाँ तक आपको पता होगा? जो सुपर पहुँचे उनमें से कुछ लोग गंभीर है, किसी के सिर में चोट है, किसी के हाथ पर चोट है, तो वो सब आ गए इसमें, बाकी जहाँ रह गए उनका ट्रीट कर रहे हैं, एक एक्सपायर हो गया है जी, डेड बॉडी आ गई निश्चित। ट्रॉली पलटी है सर यहाँ पे, लोग बता रहे हैं सर सड़कों पर गड्ढे थे, गड्ढों के कारण ये हादसा हुआ है सर, इन सड़कों की कदर सर कई बार लगाई गई है, क्यों सर इन गड्ढों को नहीं भरवाया गया सर? अब ये तो स्थिति वहाँ मौके पर पहुँच के ही पता चलेगी कि दुर्घटना का कारण क्या है, और यदि गड्ढे हैं तो निश्चित है विभाग को इसमें सूचित किया जाकर उन गड्ढों पर भी कार्रवाई की जाएगी। टोल कंपनी द्वारा कई समय से लापरवाही बरती जा रही है, कई बार शिकायत करने के बाद भी गड्ढों की मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? टोल कंपनी से इसमें बात करेंगे सर। सर पुलिस विभाग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है सर, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सर जो लोडिंग वाहनों की उसमें उपयोग की जाती है सर, 30-35 सर भर के आ रहे हैं थानों के आगे सर, गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं सर, पुलिस वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं कर सर? आज जो बालक मरा है वो इन्हीं की लापरवाही की वजह से माना जा रहा है सर। नहीं चूँकि ये जो आज की घटना है ये कोरी गांव से ट्रैक्टर जो है चला था, क्योंकि कटीला गांव में कोई भंडारा था उसमें ये गांव के लोग जो है जा रहे थे, थाने के सामने जो ऐसे कोई निकलते हैं तो उनके लगातार चेकिंग और चालानी कार्रवाई की जाती है। आज जो घटना हुई है उसमें ये एक समूह के रूप में ही जा रहे थे एक भंडारे में, तो थाने के सामने से ना होके कोरी से कटीला गांव जा रहे थे, तो जिसमें कि कई लोग गंभीर घायल हैं, एक बच्चे की का देहांत भी हुआ है। इसमें पुलिस ने तत्परता से जो है जैसे ही सूचना लगी है पुलिस ने अपने वाहन से और अन्य वाहनों से कराल अस्पताल पहुँचाया है। आज दिन में लगातार 3 मौतें हो चुकी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं?
अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस लगातार चालानी कार्रवाई करती है और जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट होते हैं इस तरह के उन पर विशेष सूचना चिन्ह लगाने की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। सुनने में आ रहा है कि तेज रफ्तार का कहर भी देखा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन पे अंकुश लगाने के लिए आप देखते होंगे लगातार पुलिस चेकिंग कार्रवाई करती है और चालानी कार्रवाई भी करती है। एक बात और है सर, महिला बता रही है सर जो ट्रॉली में सवार थी कि ड्राइवर ने सर शराब पी रखी थी, शराब सर बंद है तो फिर सर ये शराब पी कहाँ से रहे हैं सर? ये जांच का विषय है कि उसने शराब पी थी। अभी ड्राइवर हम लोगों को अभी नहीं मिला है, उसको ढूंढ के और उससे सारी पूछताछ की जाएगी।